हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति गर्ग और वेलकम टू माय चैनल अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये ट्रिक्स कौन से नंबर्स पे अप्लाई हो सकती है। तो आज के हमारे नंबर क्या हैं, आज के हमारे नंबर हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 46। इसको हम सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे नंबर क्या है, हमारे नंबर हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 46। इसके अंदर क्या किया हमने, प्लस वन किया। प्लस वन जो करेंगे वो हम फर्स्ट नंबर के अंदर करेंगे, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 20। और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 24। देखा हमने विद इन 5 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी मैं अब आपको फटाफट से बता देती हूँ कि हमने सेम ट्रिक से कैसे निकाला है। इसके अंदर भी हम प्लस वन करेंगे 6 के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, 7, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इस 7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो क्या बनेगा, 42। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना बनेगा, 21। देखा विद इन 5 सेकेंड्स हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कौन से नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगी जिसके अंदर जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6 6, लास्ट नंबर में क्या था, 4 4, हमारा कॉमन था। और क्या होगा, ये जो इनके सेकेंड नंबर होंगे उसका सम, यानी कि जब हम उनको प्लस करेंगे तो वो क्या होने चाहिए, 10। ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर दिखता है तो आप उसके ऊपर सिंपली ये ट्रिक लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने अगले लेसन में।